हेलो एवरीवन, मैं पूनम श्रोति आप सभी का स्वागत करती हूँ सुपर टेन विद पूनम में। मैं जुबेर खान भोपाल से, व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी। देखिए, समस्या तो हम लोगों के साथ लगी रहती है। शुरू से लेकर अभी तक हम लोगों ने बहुत समस्याओं के साथ जूझे हैं, बहुत समस्याओं को झेला है। कई बार तो हम लोगों के साथ साथ हमारे भाई वगैरह काम पे जाते हैं और हम उनको कहते कि चल भाई हमें स्कूल छोड़िया, तो कभी कभी वो भी गुस्सा बताते, तो उनके गुस्से को भी हम बर्दाश्त करते नहीं, हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है। और आज इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं। लोगों को देखते थे खेलते हुए तो ये सोचते थे क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। और हम आज इस मुकाम तक अपनी मेहनत से कैसे न कैसे कुछ ना कुछ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ में हम लोग भी खेलते थे उस टाइम पे, लोग क्योंकि हम लोग पर व्हीलचेयर नहीं होती थी तो हम लोग ज़मीन पे बैठ के खेलते थे। जैसे कि हम व्हीलचेयर क्रिकेट हैंडीकैप पर्सन हैं, हमको गार्ड्स गाड़ी अवेलेबल कराए, क्योंकि हम लोग व्हीलचेयर को जब लेके जाते हैं तो गाड़ी पे बांध के लेके जाते हैं, क्यों नहीं गवर्नमेंट हमको एक गार्ड्स दे और गाड़ी दे, उस गाड़ी में जो व्हीलचेयर को लेके जाएं। जैसे कि शैलेंद्र ट्यूशन पढ़ाते हैं, जुबेर एक क्लिनिक में काम करते हैं और इतने अपनी जीविका के साथ वो एक उभरते हुए खिलाड़ी भी हैं और ये दोनों इस टीम को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और हम इन दोनों से इस टीम को बनाने का पूरा प्रयास से लेके इनके बचपन से लेके अभी तक की जर्नी को भी समझेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट एबल होने के साथ एक प्लेयर हैं और व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और ये मध्य प्रदेश की उभरती हुई व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं। जिसके पास भी हम जाते हैं और ये बात बोलते हैं कि हम व्हीलचेयर क्रिकेटर हैं और व्हीलचेयर पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो शॉक हो जाते हैं, कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने ये नहीं देखा है। सिर्फ उन लोगों ने कंटिन्यू लगभग 20 से 25 टूर्नामेंट खेल लिए हैं, उसमें से 8 से 10 इंटरनेशनल हैं, बाकी हम लोगों ने नेशनल खेले हैं, क्योंकि अभी तक नेशनल टीम मध्य प्रदेश की नहीं थी। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि अपनी व्हीलचेयर क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट करें। नौकरी में गवर्नमेंट की मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि शायद ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को चपरासी की नौकरी लेने में भी वो सोचते हैं कि फाइल को इधर ले जाना इधर लाना, कैसे क्या कर पाएंगे, लेकिन नहीं, एक पांचवी पास इंसान को नौकरी मिल जाती है, लेकिन हम लोग क्वालिफिकेशन होने के बावजूद में हमको नौकरी नहीं मिली। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट अभी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करती है कि अगर हम लोगों को आप वो नौकरी दो तो हम जिस्म से नहीं लेकिन उस काम को दिल से और दिमाग से जरूर करेंगे और बहुत बेहतर और बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि आम लोग भी इसकी अपनी मैंटेलिटी सोच बदलें कि ये हैंडीकैप पर्सन कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे मनोबल को बढ़ाओ ना कि उसको ख़त्म करो। आप मुझे लगता है कि हमारी कई बातें सरकार तक जाएंगे और इसके ऊपर वो जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे और कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच।